कचरा मिलते हैं, बोतल, ये पन्नी हुई, गत्ते हुए, ऐसे मिल जाते हैं 150। रोटी रोटी बना के खाते हैं। मम्मी इन्हीं में, मम्मी गुजर गई। लोया कूटते हैं। मैंने स्कूल बाहर से देखा है, अंदर से नहीं। एक जगह रहते हैं, नए स्कूल कहाँ जाए। बरसात की परेशानी आती है, ठंड में, गर्मी में, बच्चे बच्चे पढ़े हुए नहीं है और झोपड़े में रहते हैं, कहीं जमीन नहीं है हमारी। करते ही पुलिस वाले परेशान करते रहते, तो फुटबॉल को नहीं रहने देते हमारे को। भगवान यहाँ से क्या चोर चोर के तुम जेब कतरे हो, क्या चोर क्या यह चोरी करते तुम, ऐसे बोलते हैं। पहाड़ी में जाना पड़ता है लकड़ी बीनने, यहाँ पर गैस वगैरह नहीं है हमारे पास, इसके लिए दिक्कत तो बहुत है। कभी वहाँ जाते हैं तो भीड़ वान आ जाता है, तो लकड़ी भी छीन लेता है और कुलाड़ी भी छीन लेता है। ऐसे ही मतलब किसी की भी जगह पे झोपड़ी बना के रहना, फिर वहाँ से भगा देते हैं तो कहीं और झोपड़ी बना के रहते हैं। हमारी कोई टावर टूबी की कोई व्यवस्था नहीं होती है, हमारे कोई पट्टा नहीं है, कोई कूली नहीं है, घर नहीं है, ढूंढा नहीं है, बच्चा बच्चों को खा पड़ा। अरे बच्चा बच्ची भाषा मरता है, कोई गवर्नमेंट हमारी कोई व्यवस्था नहीं करती है। जीवन के कई रंग हैं, कई रूप हैं, लेकिन भारत की लगभग 15 करोड़ की आबादी आजादी के 7 दशकों बाद भी जिंदगी के गहरे रंगों में ही ढकी है। ये दुख, तकलीफ और विषम परिस्थितियों का न सिर्फ सामना कर रहे हैं, बल्कि चुनौतियों की पराकाष्ठा भी झेल रहे हैं। पेट भर खाना, एक जगह रहना और इज्जत की जिंदगी गुजारना, इन लोगों की आंखों में पलता वो सपना है जो शायद ये जीवन की शुरुआत से अंत तक देखते हैं। राजस्थान के 33 जिलों में आधिकारिक रूप से सरकार मानती है कि 32 जातियां हैं जो घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त जातियां मानी जाती है, और इनकी आबादी तकरीबन 25 लाख है। इसमें कालवेलिया है, कंजर है, सासी है, कुचबंदा है, गांचा है, बंजारा है, गाड़िया लोहार है, सिंगीवाल है, भाट है, भांड है, नट है। तो इस तरह की ये जो तमाम जातियां हैं, ये पुश्तैनी तौर पर घूम घूम करके अपने कुछ कलाओं का, हुनर का प्रदर्शन करती थी और इनको उसके बदले में आजीविका उसी से चलती थी। जज्बात बेहद आहत होते हैं जब किसी भी अवांछित घटना का जिम्मेदार इन्हें ठहराया जाता है। मैडम की खा कोई चप्पल लुका लिया, हमारे को बोल रही कि एक दिन हम गए और दूसरे दिन तो हमारे को बाहर निकाल दी, बोल रही तुम तो चप्पल लुका के ले गए और कचरा बीनने वाले चप्पल लुका के लेके हम लुकाए। क्रिमिनल का एक स्टिग्मा लगा हुआ है इन पर, तो उस कलंक की वजह से कहीं जाकर के बसते हैं तो गांवों से इनको लोगों को खदेड़ा जाता है और शहरों में तो बहुत मुश्किल है जमीनों में कहीं आकर के ये रुक सके। ना सिर्फ शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से भी वंचित हैं ये समुदाय। अस्पताल में नहीं हुई मेरे को, तो घर पे ही हुई, झुग्गियों में, मारे तो सारे झुग्गियों में। गरीबों का तो ये जीव जा, जिंदा होगा वो बच्चा, हमारा मर गया, ऊपर गया, क्या करें। तो फिर गरीबों का तो यही होता है, इतना नोट पैसे कहाँ से लाए, को हमारा खेती बाड़ी तो नहीं है, तो लाए और तोड़ के और बेच दिए। मेरे पिताजी भालू का खेल तमाशा दिखाया करते थे और जब 16-17 साल का हो गया तो मैं खुद भी भालू का खेल तमाशा दिखाने लगा। वैसे हम कलंदर समाज से हैं, सरकार ने ऐसे नियम लगाए कि जिससे हम रोजी रोटी कमाते थे उसको गैरकानूनी कर दिया। अब जब गैरकानूनी कर दिया तो हम लोगों को किसी तरह का कोई भी नॉलेज नहीं था कि हम दूसरा धंधा कर सकें, जबकि होना ये चाहिए था कि सरकार हजारों साल पुराने अगर धंधे को बंद करती तो हम लोगों की भी सोचती और हमें वैकल्पिक के रूप में कोई दूसरा धंधा दिया जाता। तो भालू और बंदर सांप रखना बंद कर दिया तो हमारे लोगों ने मंजन बना लिया और मंजन बेचने लगे। कुछ लोग राशि की अंगूठी का लेकर बैठ गए कि साहब ये राशि पे चलती है, अंगूठी बेचने लगे। कुछ लोग ताबीज बेचने लग गए, बच्चों को नजर नहीं लगती है। पुलिस के लोग हमसे कई तरह के सर्टिफिकेट मांगते हैं। फुटपाथ पर जब दुकान लगाते हैं तो पुलिस वाले लोग मंजन
का लाइसेंस मांगते हैं, अंगूठी का लाइसेंस मांगते हैं। बच्चों के भी सही परवरिश नहीं हो रही कि वो बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, कहाँ खेल रहे हैं कहाँ नहीं खेल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि काफी हमारे बच्चे कुछ नशे की ओर भी जा रहे हैं। ये छोटे से गाँव के अंदर ही 20-25 लोग हमारी समाज के भिक्षावृत्ति करने लगे हैं। अपने ही समाज से अलग थलग ये लोग मोहताज हैं अपनी पहचान के लिए, अपने वजूद के लिए। हिंदू के महल्ले में चले गए तो भाई कहते कि मुसलमान आ गया, और मुसलमान के महल्ले में जाते कि कलंदर आ गया है। अब कलंदर, ये कलंदर आ गया तो कलंदर मुसलमान तो है ना। अब हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कि सुनाई नहीं होती कोई, सब उधर से चले जाएंगे, मियाँ भाई को देख के, हिंदू को देख के चले जाएंगे। हमारे तरफ को ऐसे छाड़ दिया, मतलब कोई देखभाल ही नहीं। हालांकि सरकार की तरफ से इन समुदायों के हित के लिए समय समय पर कई नियम व जन कल्याण योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें 2006 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत डीनोटिफाइड खानाबदोश व अर्ध खानाबदोश जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, 12वीं पंचवर्षीय योजना में विशेष प्रावधान, शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा इन समुदायों के युवाओं के लिए हॉस्टल्स का निर्माण, प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वे कई जन कल्याण योजनाएं प्रमुख हैं। भारतीय संविधान में भी बराबरी का दर्जा दिया है। आर्टिकल 17 ये कहता है कि अब भेदभाव समाप्त हो गया है जाति धर्म भाषा के आधार पर, लेकिन हम देखते हैं कि इन घुमंतुओं के साथ में काफी भेदभाव नजर आता है। हम देखें इनके जो बच्चे हैं, मिड डे मील में उनको अलग से बैठाया जाता है, उनको खाना अलग से दिया जाता है। 32 जातियों में से 28 जातियां ऐसी घुमंतुओं की जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स में आती हैं, उनके जो केसेस जो दर्ज होते हैं वो साधारण धाराओं में दर्ज किए जाते हैं, एससी एसटी एक्ट में दर्ज होने चाहिए, लेकिन वो दर्ज नहीं हो पाते। उनको जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो सही तरीके से नहीं मिल पाता है। सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं तो उनका लाभ भी औरों की बजाय जो दलितों के लिए मिलता है उससे बराबर में मिले, लेकिन घुमंतुओं के लिए वो लाभ भी नहीं मिल पाता है। कालबिलिया समाज पीछे की उनका क्या कारण है, तो कई लोग तो बता सकते हैं कि भैया अपन शिक्षा नहीं इसलिए हम लोग पीछे, और कई लोगों को पता ही नहीं है कि अपन पीछे क्यों है। हालांकि सरकार की भूमिका इन समुदायों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकारी प्रावधानों की जानकारी इन समुदायों तक पहुंचे वे ये समुदाय अपने को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जागरूक बने, इसी दिशा में कुछ गैर सरकारी संस्थाओं ने बीड़ा उठाया है इन लोगों में जागरूकता जगाने का, वे इन्हें सामाजिक मान व प्रतिष्ठा दिलाने का, जिनमें 1972 से गरीबी व अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली संस्था एक्शन एड प्रमुख है। 2006 से हम लोग राजस्थान में घुमंतु समुदाय के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। शिक्षा के संदर्भ में कहें तो शिक्षा परिवार से जुड़ा मामला है। जो परिवार आज सड़क पर रहने को मजबूर हैं, अपने जीवन जीने में उनको कठिनाइयां हो रही हैं, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि उनके बच्चों की हालत क्या होगी। आज भी उनके सामने स्कूल पहुंचना एक बहुत बड़ा सपना है। सामाजिक बहिष्कार के चलते इन समुदायों के बच्चे अपने मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रह जाते हैं, जिनमें इनकी सुरक्षा देखभाल और शिक्षा से जुड़े मुद्दे प्रमुख हैं। इन अभावों के चलते इनका जीवन किस दिशा में जा रहा है और किन विषम परिस्थितियों से इन मासूमों को गुजरना पड़ता है, इन्हीं सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक्शन एड ने बच्चों के हितों में काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के साथ मिलकर हाल ही में संबंधित समुदायों के बच्चों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में 12 भरतपुर, बांसवाड़ा, टोंक, जयपुर और बाड़मेर जिले से तकरीबन 60 बच्चों ने भाग लिया और साझा किए अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें और अपने हुनर। हासियों पर रह रहे इन समुदायों को शिक्षा के माध्यम से आगे ले जाने की कोशिश निश्चित तौर पर इस मुहिम को सफल बना सकती है।
राइट टू एजुकेशन 2009 कहता है कि हर बच्चे के लिए स्कूलिंग इज नेसेसरी, बट घुमंतू फैमिलीज के जो बच्चे हैं इनके लिए अभी भी इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है जो इनके जो एजुकेशन नीड्स है जिसको फुलफिल कर सके. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद एनजीओ एंड सपोर्टेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ सीएसआर या यूनिसेफ टू डेवलप अ प्रोग्राम विच विल एड्रेस द नीड्स ऑफ दिस चिल्ड्रन एंड विल यू नो ऐसे डिजाइन करे एजुकेशन प्रोग्राम जो इनको सूट करे और उनका कंप्लीशन के और ले जाए. यह प्रयास ActionAid के साथ में मिलकर के यूनिसेफ ने करने की इसलिए कोशिश किया है क्योंकि ActionAid की काफ़ी एक्सपर्टाइज रही है ऐसे वर्गों के साथ काम करने के लिए जो समाज से कहीं जुड़े हुए नहीं हैं और वंचित हैं और लेफ्ट आउट हैं. और इसमें हम लोग चाहते हैं कि ये एक बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस है जिसमें हम लोग स्पेशल अटेंशन देने की बात कर रहे हैं और हमें लगता है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट तभी होगा जब इन वर्ग के लोगों को अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में लाए. जब यूनिसेफ से ये बात करी गई यूनिसेफ ने इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को सहयोग दिया और चूंकि यूनिसेफ बच्चों के लिए महिलाओं के लिए बहुत काम करता है और हम लोग उन मुद्दों को उठाते हैं और बात करते हैं जिससे पॉलिसी लेवल का चेंज आ जाए और सरकार और समाज मिलके वास्तव में एक नए प्रकार से उनको आत्मसम्मान दे पाए. और हमें लगता है हम वो दिन दूर नहीं हैं जब सिविल सोसाइटी सरकार मिलके ऐसी एक पॉलिसी का निर्माण करेंगे जिससे इनके आत्मसम्मान को एक नया आयाम मिलेगा और ये खुद गौरवान्वित महसूस करेंगे. बस जरूरत है हम सबको मिलकर कदम बढ़ाने की और इन समुदायों को इनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की, ये विश्वास दिलाने की कि ये भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और समाज और देश के विकास के लिए ना सिर्फ भागीदार हैं बल्कि पूरक भी हैं. बच्चा बच्ची को पढ़ाऊंगा, हमारी कोशिश करो, आपका गुण मानांगा, आपका चलना में राजी रहेगा.